बच्चों को शिक्षक बना दे। तराशना, ये जो तराशना शब्द है इससे मुझे याद आता है कि जब मैंने भी 97 के करीब वो शिक्षा समिति में एक सरकारी अधिकारी के रूप में काम की शुरुआत की थी वो शिक्षा समिति के साथ। और जब आज पीछे मुड़कर इतने सालों में देखें तो मेरी कार्यशैली पर बहुत कुछ उसका प्रभाव है, मेरी सोच में, शिक्षा में काम करने में सारा उसमें से निकला। लोग कई बार मुझे सरकारी ना देखकर एक एनजीओ की तरह देखने लग जाते हैं कि शायद मैं किसी एनजीओ में काम करूं। मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ जो एक जुड़ाव हुआ वो इसलिए बहुत जल्दी से हो गया, बहुत सामने हो गया, क्योंकि मैंने भी वहीं से अपने काम में परिवर्तन की शुरुआत की। जब अनुपमा कहती है शिक्षक अपने को तराशता है, मुझे लगता है हर शिक्षक पहले अपने को तलाशता है। सरकार में, निजी विद्यालयों में छोटे उम्र के लड़के लड़कियां जब एक शिक्षक के रूप में अपने आप को एंट्री देते हैं वास्तव में वो बहुत कुछ तलाशते हैं। वो देखते हैं रोल मॉडल कैसे दूसरे सीनियर शिक्षक हैं, कैसा उनका संस्था प्रधान है, कैसा वो परिवेश है जहाँ वो काम करने जाते हैं। और जब जाते हैं तो एक छटपटाहट कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सिखाने वाला कोई नहीं है। जो जो डिग्री लेकर जाते हैं, अनुपमा सौभाग्यशाली थी कि उन्होंने बीएड की डिग्री ली, हम लोग बीएड करते करते हमारे पास बहुत सारे पूर्वाग्रह हो जाते हैं उस बीएड करने से। आपका एक अच्छा अनुभव था कि आपने वो सब नहीं किया। अनुपमा ने इस शिक्षक इस पुस्तक में जो लिखा है मुझे लगा पहले जरूर उन्होंने तलाशा होगा कि शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका क्या थी। आपने इस पुस्तक की शुरुआत वो शिक्षा समिति में अपने प्रशिक्षण से की और सच में वो प्रशिक्षण की मैं साझेदार रही हूँ, भागीदार रही हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि जो कुछ लिखा है वो अक्षरशः सच है। वो हो सकता है कि कई जगह साहित्य की दृष्टि से ये पुस्तक में कुछ कमियां हों, कुछ दोहराव हो, कुछ संपादन की आपने बताया कुछ कमियां, लेकिन ये ऐसी एक अनगढ़ शब्दों से शुरू हुई पुस्तक है जो मुझे लगता है बहुत सारे शिक्षकों के लिए ये एक दस्तावेज की भूमिका निभा सकती है, ये उनको काम करने की बहुत सारी इंसाइट दे सकती है। क्यों नहीं लिखी जाती ऐसी पुस्तकें, इसको पढ़कर हर शिक्षक इसी तरह के अनुभवों से दो-चार होता है। अनुपमा जैसा ऐसे ही समाज के साथ उसको बहुत सारे ऐसे सवाल उसको लेकर ऊपर जाते हैं, पर हर शिक्षक के पास ये कला नहीं कि वो अपनी इस यात्रा को अभिनव कर सके। तो ये जो इनकी पुस्तक है ये मुझे साहित्य से ज्यादा एक शिक्षक के अनुभवों की यात्रा नजर आई जब मैंने इसको पढ़ा। और बहुत कुछ बाल हृदय की गहराइयाँ जैसी पुस्तक के भी कुछ आसपास नजर आए। वो बहुत विस्तार से बच्चों के साथ काम के बारे में बताती है। आपने इसमें चूंकि स्वयं को तराशने की बात कही तो कहीं कहीं आपने खुद का एनालिसिस, खुद का जो एक अनुसंधान किया वो इस पुस्तक में ज़्यादा नजर आता है। जब शुरुआत कर रही थी अनुपमा इस पुस्तक की तो वो बिल्कुल भी शायद उसमें कहीं फिट नहीं हो रही थी जिस तरह के वातावरण में वो काम करने आई थी, लेकिन लेखों के अंत में एक लेख आता है कि लिखना पढ़ना सिखाना भी कितना सरल हो सकता है, एक बहुत बड़ी बात, शायद इससे जटिल किसी को कोई काम नहीं है। पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है कि FLM जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, टीचर से इसलिए कहना चाहूँगी, और किस तरह से फंडामेंटल यूनिवर्सिटी लिटरेसी, अरे मिनिमम लर्निंग लेवल्स तक ले आओ, कोई मैक्सिमम की बात करता है, लेकिन अगर एक शिक्षक अपनी यात्रा में इस तथ्य तक पहुंच जाता है कि लिखना पढ़ना सिखाना भी कितना सरल है, अरे ये तो बहुत सहज है, ये तो यूँ ही हो जाता है, तो कितनी मेहनत से कैसे उसने अपने आप को गढ़ा होगा, कैसे उसने अपने आप को तराशा। अनुपमा के लेखन में जो मैंने उनकी कुछ कविताएं भी पढ़ी हैं, उनकी कुछ कहानियां भी पढ़ी हैं, उनकी अभिव्यक्ति में एक बेबाकी सच को कहने का साहस है। इस पुस्तक में भी उन्होंने अपनी कमजोरी
बच्चों के साथ जब बात करती हैं तो ममत्व को करना, वो सच्चाई से स्वीकार करना अपने आप को, कहीं भी उन्होंने आवरण नहीं ओढ़ा अपनी विद्वता। पूरी पुस्तक इतनी सहजता और इतनी सरलता के साथ लिखी है। जब वो शिक्षा समिति में गए थे तो एक बात पहली बार सीखने को मिली, हम लोग एज ए टीचर शिक्षक डायरी लिखा करते थे और ये सोचते थे कि ये एक प्लानिंग दस्तावेज है और इसको अगर अच्छे से लिख लेंगे तो कई साल तक दोबारा से योजना नहीं बनानी पड़ेगी, उसी को आगे तक करके लिखा है। पर युगेन जी ने हमारा एक सेशन लिया ट्रेनिंग में डायरी का और ऐसे तिकोना बनाया उन्होंने और त्रिआयामी दृष्टिकोण उन्होंने उस पर शेयर किया, जिसमें से एक ये भी था कि ये भविष्य के दस्तावेज जो डायरियाँ हैं ये भविष्य के दस्तावेज हैं। अगर हम अच्छी प्लानिंग से और अच्छे से इनको लिखेंगे तो आने वाले जो शिक्षक साथी हैं मुझे लगता है ये भी ऐसा ही एक टीचर डायरी है तो भविष्य का दस्तावेज बन सकती है। और मेरा तो यही सुझाव है अनुपमा और लिखो, तुमने जितनी भी ये शिक्षक की यात्रा की है इन अनुभवों को और साझा करो। अगर हम लिख नहीं पाते, मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ, बहुत लिखना लिखना नहीं जानती हूँ, पर हमारे भी कुछ अनुभव होंगे तो आपको बांटेंगे, आप लिखो और उसे हमारे उन हजारों हजारों शिक्षकों तक पहुँचा दो जिनको इस तरह की इंसाइट चाहिए, जिनको तलाश है वो क्या करें कैसे करें, बच्चों के साथ काम कैसे करें। और फिर लिखना पढ़ना उनके लिए वैसे ही सिखाना सरल हो जाएगा जैसे आपसे ये हुआ है। थैंक यू। शिक्षक अपने को तराश तो मैं
मैं उसकी वही परवाह से रह रहा हूँ जो जो प्रमोद ने आए कि यहाँ हमसे मतलब तो वो है, लेकिन एक वास्तविकता भी हमसे परे ही बात है। हमने कोशिश किया कराया था, रेणुका जी बैठी हैं, शायद सबसे बड़ी फिटनेस है जो सब पिछले दशकों में चला है राजस्थान, चाहे वो महिला आंदोलन है चाहे वो शिक्षा का काम, एक किस्म का रहना था ये जो है मिस प्रभु का दिया हुआ शब्द है कि एक किस्म का मुनि रहना था एजुकेशन में राजस्थान में, एक मुनि रहना सा इतना बुरा था और उसमें बड़ी भूमिका बहुत सारे लोगों की थी और ये सब करना और सरकारी तंत्र में ये बड़ी एक उपलब्धि थी। कम से कम राजस्थान में जो भी जो नवाचार हो रहे थे, जो प्रयोग शिक्षा में हो रहे थे, मूल्यवान प्रयोग जिनको देश भर में पहचाना जा रहा था वो यहाँ सरकारी तंत्र में सरकारी शिक्षा तंत्र में जा रहे। लेकिन मेरा 15 साल का अनुभव ये है कि शिक्षक जो है कोई वर्ग के रूप में क्लास के रूप में एक प्रोफेशनल क्लास के रूप में कोई बहुत निर्णायक प्रभाव नहीं रहे, कोई निर्णायक प्रभाव था। लगातार मैं बता रहा हूँ, लगातार वह दर्जनों स्कूलों के साथ सरकारी स्कूलों का अमीर भी शिक्षकों के साथ आप कहते थे बदलते रहते आते शिक्षक, लेकिन वो इंडिविजुअल आते जैसे मिडिल क्लास के जो परिवर्तन करने वाले ताकते हैं जब तक आते हैं, पूरा मध्यम वर्ग नहीं आता, मध्यम वर्ग बहुत अक्सरवादी होता है ना, ये सारे समाजशास्त्री मानते हैं। इसी तरह से ये जो शिक्षक तबका है ये व्यावसायिक तबके के रूप में ये काम करने वाले वर्ग के रूप में मैं उसको देखता हूँ कि उसकी जो है मूल भूमिका में कोई बड़ा अंतर, कोई ऐसा अंतर जो पूरी सिस्टम को व्यवस्था को गुणात्मक रूप से प्रभावित करता है ऐसा परिलक्षित नहीं होता। व्यक्तिगत आप बहुत सारे लोग आते जैसे ममता जी उदाहरण मान ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते सलीम सलीम साहब ऐसे अभी गंदे लगे हम सबके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन आप याद रखिए गुरु व्यक्ति है एक कर कैद कर और कम से कम आधा दर्जन इसको पीटीएफ बोल तैयार किए पी एम उनमें मैं गया हूँ। अगर सरकारी जो स्कूलों के साथ मिली हुई राजीव गांधी फाउंडेशन कर रहा है कि शिक्षक स्वेच्छा से अपने समूह बनाए और ये जो नवाचार है इनको अपने स्कूलों में लेके जाए वहाँ भी कांग्रेस करे ये लोग राजीव गांधी की सरकारी उसके साथ ही काम करना चाहिए। और जो खोजे हैं आप अपने अनुभव आप बहुत सारे लोग हैं जिनके अनुभव धीरे से ज़्यादा सघन है ज़्यादा गहरे हैं तो आप अपनी बात बताइए। मुझे लगता है एक बड़ा कारण कि एक बड़ा कारण है इसमें ये जो बीच में क्लास की जो वर्गीय दूरी बढ़ी है बच्चों और शिक्षक की इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसको हम पार्ट टाइम समझ नहीं होता। ये जो तमाम वेतन आयोग आए हैं चौथा पाँचवा छठवा सात इससे जो हमारा सरकारी स्कूल का शिक्षक है चाहे वो थर्ड ग्रेड का है उस शिक्षक का भी जो हैसियत है स्टेटस वो जो निम्न निम्न मध्यम था उसके उच्च मध्यम वर्ग में चला तो निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग का अंतर मामूली नहीं है, बहुत बड़ा अंतर। और जो हमारे स्कूल में जो बच्चा आया था हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हमारे बात तक के हमारे छोटे भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़े, अब जो बच्चा उस सरकारी स्कूल में जा रहा है वो जिस वर्ग से आता था निम्न वर्ग से वो भी निम्न में से निम्न वर्ग का है, निम्न वर्ग भी बहुत बड़ा और उसमें निम्न में से निम्न वर्ग अगर छोटी हिस्से करना चाहेंगे तो बड़े बड़े हिस्से छोटे मोटे विभाजन नहीं है वो बच्चा उस वर्ग से और इसका एक वर्ग है। तो ये जो अंतराल बढ़ा है विच्छिन्नता बढ़ी है ये बहुत भयावह और इसने एक सांस्कृतिक विच्छिन्नता पैदा की। आप जरा शिक्षक की उसमें नजरें देखें बच्चों पर सरकारी स्कूल में जाएं और वैसे ही मिलने ही जाए शिक्षक से और सिर्फ एक चीज का अवलोकन करें कि वो किस नजर से बच्चों के उसका नजरिया तो आप विचलित हो जाएंगे। तो ये एक चीज और इसका जो भिन्न रूप है वो प्राइवेट स्कूलों में
प्राइवेट स्कूल के बच्चों का वर्क ऊपर हो गया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर था वो और ड्यूटी चला गया, उसकी वजह मेरी स्थिति। तो हम ही इसलिए तरह का गैप खा जाते हैं, वहां वो शिक्षक बच्चों के सामने नहीं दिखे। अगर इस शिक्षक के सामने वो बच्चे कुछ नहीं है, एक तरह से वो अनदेखी करता रहता है उनकी और अपने दूसरे दूसरे योजनाओं में चीजों में लगा रहता है, वहाँ उस पर अलग तरह की हिंसा है उस शिक्षक, और वहां से जो शिक्षक और उसके बीच में जो रिश्ते बनते हैं। योगेंद्र ने एक ट्रेंगल और भी बताया था, सबको बताते एक ट्रेंगल है, शिक्षक बच्चे, बच्चों बच्चों के रिश्ते, बच्चों के शिक्षक के रिश्ते, और तीसरा जो है कम्युनिटी समुदाय। तो अब आप देखिए, और समुदाय से इन दोनों को कोई संबंध नहीं, ना तो उस वाले सरकारी वाले शिक्षक का, ना इस वाले शिक्षक। आप जब कोई इनोवेटिव कोई योजना देती है हमको, तो सबसे ज्यादा शिक्षक को जो इससे आता है, समुदाय के लिए कुछ काम दे दिया, आपका सरकार सरकारी भी आ गया, तो समुदाय में इनोवेटिव कर लिया, सबसे ज्यादा कष्ट होता है। जो कर स्वर्ग में जाना है, उसे डायलॉग करना है, और बड़ी बड़ी भारी समस्या है। तो एक जो है, तो दोनों तरह के तंत्र में ये एक गैप, बड़ा अंतराल इस बीच में खड़ा हुआ, और उसको जो है अब वो जो जिसको आप बोलचाल में कमन माइंड सेट कहेंगे, क्या टीचर्स का जो माइंड सेट है, दोनों तरह के टीचर्स का, उसको बदल लेती है हमारे पास में। तो हिंदी का भी छोड़िए, योगी जी लगातार कहते रहे कि हमारे पास पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र पर कोई गंभीर किताब नहीं, अंग्रेजी तक में लिखो काफी नोनेटर, तो मैंने कहा वसी भी करे काफी सारा, तो बोले पेडागॉजी का थोड़ी शिक्षा साथी, ये तो अनुभव कर रहे हैं। तो अब मैं और आगे चीज कह रहा हूँ, हमारे पास अनुभव का नहीं है, मतलब सरकारी में समझना चाहता था कि शिक्षक के भीतर चलता रहा है उसके मस्तिष्क में, इसको बताने वाला हमारे बहुत सारे शिक्षक कवि हैं, कथाकार हैं, हमारे मित्र हैं, पर उस पर नहीं लिखते, उस पर जो दिन भर स्कूल में कर रहे हैं वो उस पर नहीं लिखते, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। आपके साथ तीन घंटे बैठे रहेंगे, उसको कोई बात नहीं करेंगे, और आपसे चाहिए कहानी पर बात करना है, कविता पर बात करना है, इस पर करना है, ये शिक्षा से लेकर के नीचे को सबका उस पर नहीं बात करना चाहते इस तरह। तो और बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या है, वो मैं आपसे कहता हूँ, एक गहरा एक व्यक्तित्व उन्होंने, हालांकि हम हमारे समाज में एक बड़ी चीज है, तो बहुत सारे लोगों ने दोहरा एक व्यक्तित्व अपने लिए अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, उसमें मतलब शिक्षक सर्वोपरि, जैसे सभी क्या आप ट्रेनिंग कराएंगे, आप परसों कराएंगे, उनमें वो जानते हैं क्या बोलना है और क्या ये लोग सुनना चाहते हैं, वहाँ वही बात करते हैं और आपकी बातों को बड़ा सहज काउंटर नहीं करते। आप उनसे डायलॉग कैसे करेंगे, जब वास्तविक चीजें आई नहीं रही, देखो संवाद जब तक वास्तविक नहीं है तो कोई अर्थ नहीं, वो अपने आप में रिचुअल है, जब तक संवाद वास्तविक नहीं है। अब वास्तविक संवाद हुआ, सहमति आएगी, उसमें अप्रोच भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और किसी तर्क पे किसी थेरी पे हम जाकर खड़े होंगे और कोई कंसेशन थोड़ा नहीं पूछता। लेकिन एक किस्म का कहना चाहिए कि, और जब तक हमें पता नहीं चले, अब वो बोलता नहीं है ना, वो लिखता नहीं, बोलता है वो चीज़ें बोल देता है जो आपको पसंद है, जो ये समझ जाते हैं कि किस लिए बुलाए या क्या है, थोड़े दिन ऑब्जर्व करेंगे, तो सवाल करेंगे और फिर समझ जाएंगे आपका क्या, और ओके, और उसमें वो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डायरियाँ कैसे बननी है, पेपर कैसे पूरे करने, वो एक दुनिया होती है, बाकी दुनिया कुछ और होती है, और एक विभाजन जो है पूरा विभाजन से जीवन तक चला जाए, ऐसा और तत्वों में और हो सकता है, नहीं कहता मानिए पर बात यह नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में उसको वास्तव में जानने का बड़ा भारी मुश्किल है। मैं काफ़ी समय से जब मैं शिक्षा विमर्श कर रहा था, मैंने कोशिश की शिक्षकों से कोई पुस्तक लिखवा, बैठे राम दिन भी रवि मुश्किल से एक गलती की रहता किसी नहीं लिखा, मैंने कहा आप अपने बच्चों पर लिखो, जो बच्चा आपको पसंद हो, जो बच्चा आपको ना पसंद हो, जिस बच्चे के लिए आपने कुछ किया हो उसी पे, तो वो भी दिगंतर से बाहर से ज़्यादा है, दिगंतर से बाहर, तो दोनों बेटे
जैसे तैसे करके रेंज बड़ी की तो हमने अपनी तरह से कर लिया, खैर वो कॉलम जैसा कर दिया, तो इस तरह का बहुत रहा ले दे के पिछले एक दो साल पहले देखा चमर भी बेटा है तो सरकारी शिक्षक है जिसने दिखा बीमा कर सकता, ऐसी चीजें हमारे पास वो नहीं है, तो ताकि हम उस माइंड सेट को समझें और उसमें कुछ इंटरवेंशन करें। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं मनुष्य बदलना बड़ा कठिन काम, और शिक्षक मनुष्य को बनाने और बदलने की बात करते हैं, और उस शिक्षक के साथ कुछ बदलना बनाना अपने आप बड़ा चुनौतीपूर्ण है चीज है। तब उसकी भावात्मक जो दुनिया है, उसके अंदर की दुनिया है, उसमें जो है झांकना, उसको समझना, सबको कर पाना बहुत कठिन, और उसमें हमारे पास लिटरेचर कहना चाहिए कि मैंने बताइए आपको ना तो ऐसी स्थिति है। अनुपमा भी कह रहा एक खास है और बिल्कुल मैं ममता जी से सहमत हूँ, उन्होंने जो कहा है तो बड़ी इन्होंने बिना लाल लपेट के ना किसी बनावट के ना कोई आवरण फिर ओढ़े जहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की है वहाँ से लेकर क्या था क्या किया है कैसे किया है क्या अनुभवें किन अनुभवों से क्या फर्क पड़ा क्या पड़ सकता है उन चीज़ों को बड़े सिलसिलेवार रखा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो वो हैं कि जो हमारे कहना चाहिए कि बीमारियाँ हैं पास हो उनका इस्तेमाल जो बंदिक सीरीज तक पहुँच गया है होमवर्क दोनों जगह सरकारी में और इन्होंने गाड़ दिया है कि भाई ये होमवर्क हो सकता है होमवर्क तो मना नहीं कर रहे हैं अगर कई दिन की छुट्टियाँ हैं तो ठीक है बच्चों को कुछ दे दिए पर वो किस किस्म का होमवर्क कैसा होगा और दिया कैसा जा रहा है उसकी वो बहुत अच्छे से बात करती है। और प्रतियोगिता जो लगातार बढ़ती जा रही तो उन तमाम चीज़ों पर उन्होंने गाड़ी के रूप चीज़ों को ले किया इसके साथ साथ उनका एक जो सक्रियता वाल है मैं लगातार देखता हूँ उनको समझे जानता हूँ कुछ हमारे शिक्षक के उसमें कुछ लोग हैं जो हमेशा इस तरह जोश करो तो उससे भरे रहते हैं ये लोग अभी नहीं थके इस तरह से काम करते हैं चाहे और जिस जोश से वो पेड़ लगाती है उस जोश से उसे शिक्षा की बात करती है उसे साहित्य तो एक किस्म का जिस तरह का सक्रियवाद वो सक्रियता वाद वो लाना चाहते हैं अपनी जिन शिक्षा में लाना चाहते हैं वो सारा उनके इन तमाम लेखों में काफ़ी तरह चलता है। और बहुत सारी जो मेथोडोलॉजिकल प्रैक्टिस है जो पद्धतिगत जो कुछ व्यवहार हैं कुछ तरीके वो इसमें अलग अलग लेखों में उन्होंने इसमें सजेस्ट किए तो मैं समझता हूँ कि ये सब पर समस्या मैंने बताया तो वो ग्रहणशील का कहाँ है जिस सबके लिए हमने ये संबोधित किया जिस सबके लिए सब तो उसका रास्ता तो मुझे एकदम से कहना बड़ा मुश्किल है पर फिर भी मुझे लगता है जब तक समुदाय का वो तबका जिसके बच्चे आ रहे हैं वहाँ से कोई उत्पीड़न उनका कोई दखल उनकी कुछ ताकत में इजाफा और उनके कुछ साथ खड़े होने का हमें जज्बा वो जब तक नहीं होता है तो जिसकी जड़ता को तोड़ना और इन चीज़ों को इसमें ले जाना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। और तो और ज़्यादा जिस बड़े सकारात्मक एक माहौल की मैंने बात की थी जब डेढ़ दशक पहले था और अब जिस तरह से उसका खुद का हास्यकरण होता जा रहा है ऐसी स्थिति में तो और ज़्यादा विकट चुनौती बन जाती है। पर मैं समझता हूँ मेरे कम से कम मुझे तक लगता है कि रास्ता विवेचना उसमें की है। अनुपमा वहाँ हमारे साथ कई वर्ष हुई हम साथ साथ हम लोगों ने काम शुरू किया जयपुर शहर की इकट्ठी बस्ती वही काम उस वर्ष बड़ा ममता जी से मुलाकात यही क्रम है 25 साल पहले और 25 साल कई दौर हो गया 25-30 वर्षों का कि वो शिक्षा समिति के साथियों और राजस्थान राज्य सरकार के स्कूलों
कि शिक्षकों के साथ हमें करीब 30 वर्ष तक लंबे लंबे काल तक मतलब लंबे लंबे परियोजना 5-5, 7-7 साल की परियोजना में कुछ स्कूलों से लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें निरंतरता बहुत से लोग आए, बहुत से लोग बदले, बहुत महत्वपूर्ण पदों पे अधिकारियां अधिकारी लोगों का आना जाना रहा, उनका बड़ा योगदान रहा। उसमें एक निरंतरता ममता जी है उस पूरे दौर में। और शुरुआत में जब धर्मशाला कार्यक्रम शुरू हुआ, आप भी हैं मैडम जी, मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से धर्मशाला कार्यक्रम एक था कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में राजधानी जयपुर के होते हुए भी 21वीं शताब्दी में जब जा रहे थे तो करीब 30-40% आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है और उन बच्चों के लिए कोई किसी तरह के स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल कैसे कायम किए जा सकते हैं। तो एक बोध का कच्ची बस्तियों के समुदायों और बच्चों के साथ बोध के शिक्षकों का जो अनुभव था, उस अनुभव को लेकर एक धर्मशाला कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया था राजस्थान सरकार ने। और उसमें उस कार्यक्रम को 5 वर्ष के लिए संचालित करना था, सामुदायिक धर्मशालाओं का निर्माण करना था और उन स्कूलों को चलाना था। तो उसमें सरकार की ओर से 3 लोगों को नियुक्त किया गया था, उषा बापना जी, ममता जी और गुरिया। तो ममता जी का साथ हमारा वहाँ से है और ममता जी राजकीय व्यवस्था में सरकार की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पे है। इनका होने को मैं ऐसे देखता हूँ, हम हमेशा ऐसे देखते रहे, अभी मैं भी कैसे ऐसे ही बात कर रहे थे हम कि हम तो एक तरफ के अलग लोग हैं, सरकार के अलग, सरकार कोई दूसरी है। तो सरकार में नागरिक समाज का कोई अभ्यक्ति है जो सरकार में इस रूप में हम लोग रहे। और मैं इसका संकेत ये रेखांकित करने के लिए भी कर रहा हूँ कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का और उन विद्यालयों का क्या हो रहा है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है। एक ऐसा नहीं है या तो काली या सफेद टाइप नहीं है। राजाराम जी ने जो प्रसंग छेड़ा और जो बात परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य उसमें लाने लाए हैं, एक वर्गीय कुछ असंतुलन उत्पन्न हुआ है शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय के बीच में। उसके बावजूद ये मैं उससे सहमत हूँ और हम लोग बहुत दिनों से ऐसा ही बात करते भी हैं, एक मूल कारण है इस व्यवस्था में शिक्षक के, स्कूल असफल हो रहे हैं तो शिक्षक असफल हो रहे हैं और इसीलिए विद्यार्थी भी असफल हो रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था इस जो ये संतुलन में जो बिगाड़ है वो बहुत पेचीदा एक स्थिति है, कोई बहुत पेचीदा कारण बैकग्राउंड उसके पीछे में। और देखिए स्कूल हो या शिक्षक हो या शिक्षा हो, उसका ऐसे हम थोड़ा बात करते हुए कोशिशें करते करते हमें ये समझ में आया है कि वो अंततः उस सबको समाज तराशता, सबको समाज बनाना, सामाजिक आकांक्षाएँ बदतय करती हैं कि स्कूल कैसे होंगे, शिक्षा क्या होगी और शिक्षक कैसे होंगे। वो बहुत ज़्यादा समाज से बेकाबू नहीं है, वो व्यवस्थाओं के नियंत्रणों से बेकाबू नहीं है, शायद व्यवस्था ही ऐसा चाहती है कि इस तरह की ही शिक्षा हो और इसी तरह के स्कूल और इसी तरह के शिक्षक। कुछ एक और एक प्रसंग है जो हमें ज़्यादा गहराई से जब शिक्षकों से बात करते हैं तो हमने आपके साथ राज्य सरकार के साथ में हजारों स्कूलों के साथ काम किया, 15-20 हजार शिक्षकों को हमने अपने फोकस के केंद्र में हमारे साथ उनके साथ रहने का हमें अवसर मिला है, 7-8 दिन 10 दिन। और जब उनके साथ भी इसी तरह हम बातचीत करते हैं, हमारे ये कोशिश ये रही है कि हम जो अपने आप से बात करते हैं, अपने शिक्षक साथियों से बात करते हैं, राजकीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक आते हैं तो उनसे भी वही बात करते हैं। और हमने पाया ये है कि उसकी बहुत ही सशक्त प्रतिध्वनि उस तरह से मिलती है, ऐसा नहीं है कि कोई सुन नहीं पा रहा आपको, कोई समझ नहीं पा रहा, आपके सरोकार कुछ ऐसे हो गए जो संज्ञान में ही नहीं आ रहे, बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता अनेक लोगों के अंदर हमें दिखाई देती है और बहुत समझ में आता है कि वो
एक तर्क को सामान्य तर्क को और सामाजिक संवेदनशीलता के सर्वोपारों को समझते हैं और जब उनसे बात करते हैं वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक समूचे समाज की संरचना में जिस तरह की प्रक्रिया है और या कहीं के जो भी उसका स्वरूप है वो वहाँ भी वो अपने आप को ऐसे ही पाते हैं कि वो स्कूल के शिक्षक हैं या क्या हैं और उनको करना क्या है ये पता नहीं। तो एक और मैंने केवल अंश एक जोड़ा है कि ये जो बात है कि सार्वजनिक विद्यालय का अर्थ है जो बेहद गरीब है और किसी भी तरह के निजी विद्यालय में अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करवा सकता वो गवर्नमेंट के स्कूल में जाता और वो निहायत गरीब तबका जो समाज का है और उन परिवारों से आते हैं जो स्वाभाविक रूप से बहुत अशक्त हैं जिनकी कोई वॉयस नहीं। आप कितने ही माध्यमों से कितनी ही योजनाओं से किसी भी नीति और कानून से उन्हें सशक्त बनाने का बाहर से प्रयास या जो भी आप कह रहे हैं स्वांग कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो करें। हमारे यहाँ सारे मॉडल्स फेल हुए लोग जो पैसे गिरना शुरू करो शिक्षक कन्या कार्यक्रम से आप गिरना शुरू करो वहाँ से शुरू करें तो लोग जो मिस करें डीपीपी करें सर्व शिक्षा अभियान करें आगे करें आईटीएफ करें कुछ भी करें सहभागिता समाज की सहभागिता सार्वजनिक स्कूलों में समुदायों को नियंत्रण अपने हाथ में लेना उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना उसके विकास की सारी चिंतन लोग खुद करें कि जितने भी बातें हैं वो सब पूरी हैं सतही हैं और अंततः एक ही रूप लेती हैं कि ये सरकार का स्कूल है ये गवर्नमेंट का स्कूल है जो गवर्न करते हैं जो रूल करते हैं उनका स्कूल है ये प्रजा का जनता का स्कूल नहीं वो अंततः वहीं जाती हैं। आप जनता को किसी भी तरह से ले भी आए तो अंत में उसका ढांचा वही बन जाता है जनता का लोगों को कैसे भी लिया जाए वो जनता ही रहती है क्योंकि वो आम अपने आम जीवन में वो जनता ही है तो उसको किसी भी तरह के कानून अगर कोई भी भारी असफलता पिछले वर्षों में दशकों में अब तो दशक से ज़्यादा हो गया किसी चीज़ की हुई है तो RTA Act में स्कूलों को सामाजिक सामुदायिक नियंत्रण में अभिभावकों को नियंत्रण में देने के अधिकार की हुई जिसका कोई भी लक्षण अलग से दिखाई नहीं देता कि RTA Act से पहले किस तरह के सामुदायिक सहभागिता स्कूलों में होती थी या किस तरह का नियंत्रण था उसके बाद में क्या बदला तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं बदला असल में कुछ नहीं बदला क्योंकि उन सारी चीज़ों को जो नियंत्रणकारी केंद्र हैं नियंत्रण करने वाले केंद्र हैं वो नहीं बदल रहे इसलिए जमीन पे कुछ नहीं बदलता है वो कोई भी कानून लेके आप आ जाए कोई भी कानून और कोशिशें आप कर लें ये सच है कि राजस्थान में उन्हें हम गिना दें कम से चाहे लोग जो उनका शिक्षा कर्मी लोग जो DPP हमारे साथ दिगंतर बोध बाद में सर्व शिक्षा अभियान और अनेक और संस्थाएँ काम कर रही हैं और एक पहचान तो ऐसी बनी है बीच में राजस्थान की कि राजस्थान जैसे कि नवाचार का कोई गढ़ है नवाचार की फैक्ट्री है सारे नवाचार राजस्थान से होते हैं ऐसे एक मान्यता और एक समय तक भी हो सकता है और कहीं कुछ नहीं हो रहा था हम यहाँ कुछ हो रहा था अनेक संस्थाएं थी उसके बावजूद हमारे स्कूलों की स्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं है जिस तरह का एक प्रवाह है मूलधारा का जैसा प्रवाह है हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और उसी गति से बढ़ रहे हैं वहाँ कोई खास परिवर्तन नहीं है हमको रोक नहीं पा रहे ये सत्य है फिर भी हम जैसे लोग कर ही जा रहे हैं अभी भी कर रहे हैं और क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक विशेष मैं इसके लिए कहूँगा विशेष अवसर है हमको सहयोग है कि हम गरीब परिवारों के बच्चों के साथ काम ज़्यादातर हमारा सीधा काम वहाँ काम करते हैं जहाँ स्कूल ही नहीं है या जो स्कूलों होते हुए स्कूलों से बाहर हैं तो वहाँ हमारा बोध के स्कूल हैं उनको समुदाय के स्कूल कहते हैं तो ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है उनको समुदाय को अपने साथ लेने में तो समुदाय भी पूरी मनोयोग से मनोबल से आता है वहाँ कोई रोकथाम नहीं है और उस तरह के काम में एक अभाव की स्थिति में आप कुछ कर रहे हैं तो आप सार्थक हैं आप किसी न किसी अर्थ में मूल्यवान हैं तो जो सहयोग है वो काफी परस्पर अर्थ में लाभकारी सहयोग बनता है तो इस स्थिति से तो इस स्थिति में किसी भी तरह के शैक्षिक नवाचार का जो प्रश्न होता है तो मेरा अनुभव यह है कि सर्वाधिक शैक्षिक नवाचार आप वहां कर सकते हैं जहां शिक्षा बिल्कुल ही नहीं तो
तो वहां तो आप ये देखकर दीजिए कि हमने बोर्ड के स्कूलों में अनुपमा जी पढ़ाती थी उस समय, तो बच्चों को मारेंगे नहीं, बच्चों का शिक्षा नहीं होगी, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, सतत आकलन होगा, ये सब कुछ होगा, जो कुछ कर सकते होगा ठीक है, कोई ज्यादा आपत्ति, नाच गाना होगा, गीत होगा, संगीत होगा, सब हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। आप स्कूल में तो लागो भैया, बहुत है, वही बहुत है, हमारे बच्चों को स्कूल में आप ले आए, यही बहुत है, तो कोई आपत्ति वहां से नहीं है। अन्यथा किसी भी और स्कूल में आप इन प्रस्तावों के साथ, इन प्रपोजिशन के साथ एंटर करने की कोशिश करें तो आपको सबसे ज्यादा प्रतिरोध पहले तो प्रबुद्ध शिक्षित अभिभावकों से ही मिलता है। ये क्या कर रहे हो, ये स्कूल के हमारे बच्चों के लिए आज की बहुत ही प्रतिस्पर्धी और विकासोन्मुखी और बहुत ही इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल जो जगत है उसमें ये हमारे बच्चों को तो बहुत पीछे छोड़ देगा। हमने दो चार बार कोशिश की तो हमारे हम किसी को भी ना ला पाए उसमें, गरीब बच्चे तो हमने सारे दे, हम गए 100% जहाँ भी बोला वहाँ के 100% गरीब बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे स्कूल में आ गए, लेकिन वहाँ और कोई नहीं आ पाया। असली प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये है कि देश में समाज में शिक्षक का क्या होगा, और ये शिक्षक जो वर्ग है कि शिक्षक की जैसी हमारी संकल्पना है उस रूप में कब अवतरित होगा, कब दिखाई देगा। मुझे लगता है कि जब इस देश में कोई कॉमन स्कूल की व्यवस्था अगर हासिल की जा सके तब जाके ये रूपांतरण हो सकता, और कॉमन स्कूल को विखंडित करने का काम हमारे शैक्षिक लेजिस्लेशन के इतिहास में नहीं मिलता है कि कब सरकारों ने पार्लियामेंट में तय किया कि सरकारी स्कूल में केवल गरीब ही पढ़ेंगे, अमीरों के लिए अलग से प्राइवेट स्कूल खोला जाता है, नीति बनाई जाती है। ये तो कोई आपको कोई कानून नहीं मिलता, आप कोई नीति उठा के देख लीजिए नीति नहीं मिलती, कोई कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए वो नहीं मिलती, कहीं एक नाम नहीं मिलता, हर जगह एक ही वाक्य परंपरा की मिलता है कि कॉमन स्कूल होना चाहिए, सब जगह ये स्कूल होता है, सभी बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए। लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ा इतिहास भी नहीं है, हम पढ़े आप पढ़े और यहाँ हो सकता है ज़्यादातर लोग एक ही सार्वजनिक स्कूल के अंदर पढ़े हैं जो एक कॉमन स्कूल होता है, जो सबका स्कूल और वो सरकारी स्तर पर समर्थित स्कूल होता है। और मैं इस प्रसंग में याद अपने मैं दो शिक्षकों के समूहों को याद करूँगा, हमें जिन लोगों ने पढ़ाया उन कॉमन स्कूलों के अंदर वो सामान्य शिक्षक ही थे जो हमारे जैसे रहने वाले कस्बों और गांवों में अध्यापन करने जाते थे, आसपास के गांवों के ही पांचवी आठवीं ज़्यादा से ज़्यादा दसवीं पढ़ गए वो लोग थे जो साइकिलें चला चला कर छः छः आठ आठ दस दस मील रोज स्कूल आते थे। हम ऐसे ही स्कूल ऐसे ही प्राथमिक स्कूल में पढ़े जो एक शिक्षक तीन कोस दूर से रोज साइकिल चला के आता था और हम सबको पढ़ाता था, और बाद में जिस स्कूल में गए राजस्थान में शिक्षक नहीं मिलते थे तो यूपी के शिक्षक आए, यूपी से आके पढ़ाते थे। और मैं तो जब भी उन शिक्षकों को मेरी स्मृति में बहुत ज़्यादा है, वो शिक्षक वो इसलिए भी हैं कि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, स्कूल उनके शिक्षक थे, तो वो उनके साथी सहयोगी थे, हमारा पारिवारिक साइड मुझसे संपर्क संबंध रहता था। तो उन शिक्षकों को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे बिना शकों से हुआ हमारी मेरी छवि ये है कि वो उस पूरे कस्बे के सबसे प्रबुद्ध लोग दुनिया में देश दुनिया में अखबार और वाचनालय और रेडियो के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा हम लगता था तब भी कि ये पूरी देश दुनिया की खबर रखते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत लिखते हैं, ये कविताएं लिखते हैं, ये साहित्य लिखते हैं, ये निरंतर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत आना जाना करते हैं, और आपस में जब बात करते हैं तो साहित्य और किताबों के ऊपर ही बात करते मिलते हैं। और अगर शहर में कस्बे में भी कुछ होना हो, शैक्षिक सांस्कृतिक साहित्यिक कुछ भी आयोजन है, तो स्कूल के शिक्षक ही हैं जिनको सब लोग सुनते हैं, और किसी भी मसले पे वो निर्लिप्त हैं, वो ना कोई धंधा करते हैं ना कोई व्यवसाय करते हैं ना हेरा फेरी में कहीं लगे हुए हैं, और सामान्य लोग हैं वो बस, लेकिन वो प्रबुद्ध हैं, सम्माननीय हैं शिक्षक के तौर पर, और सारे लोग गरीब का अमीर का हम और तो कुछ नहीं होते थे, थानेदार तहसीलदारी होते थे, सरकार उनके बच्चों से लेकर डॉक्टर कोई है तो एक दो सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ते, और वो शिक्षक बहुत जैसे ही शिक्षक थे जैसे शिक्षक की हम कल्पना करते हैं। एक ये स्थिति
तो वो यहीं पे इसी समाज में, वो एक एक समाज था जहाँ एक दौर है पीछे, लंबा दौर है, दशकों का दौर है, स्वतंत्रता के आंदोलन का, स्वाधीनता के सपनों का, नए देश और राष्ट्र के निर्माण का, उसमें ज्ञान का, विज्ञान का, अनेक चीज़ों के ऊपर जो चिंतन हो रहा है और सारा देश आंदोलित है, उद्वेलित है, वो शिक्षक उस चेतना से निर्मित हुए थे। वो कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे कि बड़े बड़े प्रशिक्षण लिए हुए हों, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी कल कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग एक्सपर्टीज हो, वैसे शिक्षक नहीं थे। वो बड़े सामान्य 8-10 कक्षा पढ़े थे और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते बाद हम देखते थे कि बीए भी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट एमए भी कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक थे वो सब। लेकिन वो जिस देश को जैसे शिक्षक चाहिए, हम शिक्षक के अच्छे से अच्छे शिक्षक की जो कल्पना कर सकते हैं कि जो सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो, बच्चों की शिक्षा के प्रति उनका अपना एक आत्म अनुशासन हो, वो बहुत आत्मरूप से प्रेरित हों शिक्षक की भूमिका को तराशने में, बनाने में, पाने में, वो शिक्षक मौजूद रहे। वो ऐसी कोई संकल्पना नहीं है जो बड़ी काल्पनिक है और अनावश्यक कहीं से आप लाजी, ऐसा नहीं है। और ठीक ऐसा भी ऐसा एक नमूना हमने जब यहाँ पे 10 स्कूलों में 10 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ राजस्थान सरकार के साथ काम किया था, तो उसमें एक ऐसी परियोजना बनी थी कि 10 स्कूल बोर्ड ले ले कोई भी, जो भी लेना चाहे जयपुर शहर के, और ये काफ़ी 92-93 के आसपास का वाक्य है, वहाँ का 92 का वाक्य है कि आप ले लें। और यहाँ तक बात उन्होंने कह दी, हमने कहा भाई हमारे पास कुछ जादू की छड़ी है ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है कि आपके स्कूलों को शिक्षण पदा को बच्चों को फिर से पढ़ाई अचानक कुछ होने लगेगी, अब बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, आप पता नहीं एग्री नहीं होंगी, आप हमें मत लगी नहीं, आप जो चाहे कर लीजिए, क्या करें। हमने कहा एक तो आपके सारे शिक्षक हैं उनको दोबारा से प्रशिक्षण ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, उन्होंने कहा तो सब पेमेंट बी एड सब कुछ है, क्या जरूरत है नहीं। हमने कहा ये जरूरी है, आप हम बता दीजिए क्यों जरूरी है, पर आप मानने को तैयार हों तो देती हूँ। दूसरा कि आपने जितनी किताबें बना रखी हैं प्राइवेट स्कूल में, सबको आप 5 साल के लिए हटा देंगे, हम कोई उपयोग नहीं करेंगे उनका। तीसरा कि कोई परीक्षा जो आप लेते हैं वो सब परीक्षा पद्धति आप 5 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए स्कूल में, और दंड की कोई भी प्रणाली नहीं होगी। क्या पाँच चीज़ उनको थोड़ी देर को शौक लगा कि ये क्या बात हो रही है, ये कैसे संभव है। एक दूसरे को देख भी रहे थे, अभिमन्यु सिंह जी थे, आरबी के एसआईआरटी के डायरेक्टर थे, बैठे थे कि ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या बन, लेकिन सर आप तो जो चाहे कर सकते हैं। और वो सामान्य सरकार में काम ही होता है कि कुर्सी होती है उस पर वो थोड़ी औरों से बड़ी होती है और एक उस तौलिया पे जो बैठा होता है बाकी सब लोग को ये देखना होता है कि ये क्या चल रहा है, और सारी बैठकों का मिजाज है मंत्रा जी जैसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा अलग से चलते हैं और कुछ लोग हैं जरूर वहाँ ऐसे जो ऐसे नहीं चलते हैं, पर ज़्यादातर वैसे ही चलते हैं। तो वो भाग जाते हैं कि ये तो करने के लिए शायद मीटिंग बुलाएगी, वरना ऐसे बेवकूफ वाला प्रस्तावों पर कौन मीटिंग बुलाएगा, ये हम ही बनवाना चाहते हैं हमसे, तो भर दी हम हाँ सर आप एक आदेश निकाल दो, आप अभी तक कभी निकला है कि कभी नहीं निकला है, एनजीओ को ऐसे तो कोई किसी ने नाम ही नहीं दिया था कि मॉडल तो ये मॉडल तो कोई बात नहीं थी एमओ। तो वहाँ से ये तय हुआ कि ये संभव एक आदेश निकाल दिया गया 5 साल के लिए दे दिया जाए। अब मैं उस बाकी को मैंने इसलिए जिक्र किया है कि वो अपर प्राइमरी स्कूल्स थे, तो अपर प्राइमरी स्कूल्स थे और जयपुर के थे, और जब हम बच्चे थे स्कूलों में पढ़ते थे, हमारे पिताजी भी शिक्षक संघ के कार्य में बहुत भाग लेते थे, तो शिक्षकों में कौन नेता है क्या नेता है, विशन सिंह है, राजकुमार विद्या है, सनाथ जी हैं, कौन क्या है, ये हम बड़ा पहले से सुनते थे, ऐसे ऐसे लोग हैं। उस समय राज कर्मचारियों का शिक्षकों का बड़े आंदोलन भी होते थे, आपने कहा कि भूमि की वजह से विषय बढ़ते बढ़ते इतना होगी कि वर्गीय भेद ही होगा ना, हमारे पिताजी जब शिक्षक थे तो पढ़ी बजा नहीं दिखती थी हमको, तो वहाँ वेतन बहुत कम हुआ करते थे, पर वो लोग जब हम 10 स्कूल हमने दिए तो उन 10 स्कूलों के जो प्रधानाध्यापक थे उस समय तक एक शिक्षक संघ खत्म हो चुका था, 50 शिक्षक संघ बन गए। तो जब इनको हमने बुलाया एक पहली मीटिंग में, तो कुल्लर जी थे,
साहब थे जिनके बहुत सारे और लोग थे जो सीन थे, तो उनको बुलाया तो विभूतियों को देख के हमें समझ में आया कि क्या होने वाला है, क्योंकि 10 प्रमुख जो शिक्षक संघ थे राजस्थान के, तो दिन रात एक दूसरे से लड़ते रहते थे स्कूलों में सड़कों में, वो सबके अध्यक्ष या महासचिव वहाँ गए, तो हमें बहुत देर कुछ लगा कि अभी लड़ेंगे, ये बोलेगा तो वो कुछ बोलेगा, ये बोलेगा तो वो कुछ बोलेगा। तो विलियम साहब से लेके मजे भी करते, अगर आप परिचित हों तो एक तो बिल्कुल सी पी आई का शिक्षक संघ है, मजे जी जो हमारे बीजेपी का जो शिक्षक संघ है, तो वो आप देखिएगा अच्छा का हमारा ये हुआ। और मेरे 35 वर्ष में शिक्षक में क्षेत्र में काम करते हुए ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर कभी नहीं, कि जब उनके साथ की बात हुई कि अपने को स्कूलों को ठीक करना रेलवे के मकसद से 5 साल एक्शन काम कर लिया, तो वो बहुत खुश थे सर। और उन्होंने उस पूरी चीज को, क्योंकि वो खुद भी इतने प्रबुद्ध थे कि खास को समझाने की बात करने की जरूरत ही नहीं, तो हमें ये, और जब उन्होंने काम किया तो हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिली, पूरे की पूरी तरह उन शिक्षक प्रधान अध्यापकों का समर्थन मिला, ओसवाल जी थे वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, हमारे यूनिवर्सिटी के उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सबको बहुत सारे कामों करते हुए, और शिक्षकों से ज्यादा उसमें वो संलग्न पड़े। मैंने इस बात का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो पीढ़ी का आखिरी हिस्सा था जो एक तरह के समाज ने जिनको शिक्षक बनाया था, वो लगभग, और उसके बाद में आप विलुप्त होते हुए पाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है प्रोफाइल शिक्षक का, जो प्रोफाइल आ रहा है शिक्षक की, जो मनोवृत्ति आ रही है शिक्षक का, जो व्यवहार हम स्कूलों में देखते हैं, स्कूल के बच्चों के प्रति उनके सरोकार में इस तरह की कमी देखते हैं, कई में अज्ञान भी देखते हैं, और काफ़ी गैर सामाजिकता, गैर सामाजिकता से आशय मेरा समाज में काम करो तो समाज में ईमानदारी से काम करो, उसमें कमी ऐसी करने की प्रवृत्ति देखते हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा समस्या व्यापक समस्या, व्यापक समाज के मूल्यों का शिक्षक समुदाय के ऊपर आक्रमण है एक प्रकार से, तो उनकी मनोवृत्ति में जो विकृति है इसका इलाज अकेले शिक्षक प्रवर्ग में कुछ भी करते रहने से शायद संभव नहीं है। ये बहुत ही फेक एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल आइडियोलॉजिकल इशू है, और जो दुनिया भर में जो एक बदलाव एक स्थिति के बाद करीब 3-4 दशक पहले जो हुआ है, ये हमको हर जगह उसकी छाप दिखाई दे रही है। तो अब ये जो पूरा प्रसंग है कि शिक्षकों का जो प्रश्न है, वो प्रश्न शिक्षा का प्रश्न भी कोई अलग थलग प्रश्न नहीं है समाज के व्यापक प्रश्नों से, आप कितनी ही कोशिश कर रहे हैं बहुत सीमा है उसकी। व्यापक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में हुए एक दिन आप अगर शिक्षा में इक्विटी के स्वप्न देखते हैं तो ये आपका निरा काल्पनिक स्वप्न नहीं, कल्पना है, वो असल हो। तो ये एक परिवर्तन की एक अपेक्षा और समाज के साथ उसका जो बंधन है और राजनीतिक शासनिक नेतृत्व का जो स्वरूप है, हमारे स्कूलों का स्वरूप उनकी छाया है, उन्हीं की इमेज है, ये अपने आप में स्कूल में कुछ नहीं हो गया एक, तो मुझे सोच मेरा ये लगता है। और शिक्षक के तौर पर अनुपमा की किताब के ऊपर आए तो निश्चित रूप से देखिए, सब वैसे हर कोई अपना शिक्षक हो, मूल बात तो सार तो ये, हर व्यक्ति अपना शिक्षक हो, ठीक है, हर व्यक्ति की सीखने की अभिलाषाएं, सीखने के मुद्दे, दिशाएं, प्रेरणाएं उसकी अपनी होती हैं, वो अपना अपने कहाँ से होती हैं, वो अपने समाज से प्राप्त, आसपास के दायरे से प्राप्त, या उसकी जो द्वंद हैं उनमें जो द्वंद हैं, कोई उलझने हैं, कोई संस्कृत हैं, कोई प्रश्न है, और जिंदगी भी यही है कुल मिला के, द्वंद्वों उलझनों प्रश्नों का ही को ही पहचानना, सुलझाना, उनके समाधान करना, तो सभी कोशिश करते हैं, और इस कोशिश को ही शिक्षा करते हैं, सीख रहे हैं, जिंदगी को सीख रहे हैं।
उसके प्रश्नों को हल करना सीख रहे, तो वैसे तो मूल के तो सीखने वाला ही होता है, मूल तो बच्चा हो या वयस्क हो या कोई और या शिक्षक हो, ये सब ठीक है। एक अलग स्थिति संस्कृति शिक्षक की है कि वो औरों के प्रश्नों और द्वंद्वों के समाधान के प्रयासों में अपनी एक समर्थक की फैसिलिटेटर की भूमिका लेके जाता है कि भाई मैंने भी कुछ ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लिया है, अब इसको मैं आपके भी सवालों को हल करने में मदद कर सकता हूँ। तो वो एक फैसिलिटेटर है जो एक्चुअली जो सवालों को जो लोग से जूझ रहे हैं वो बच्चे हैं या बड़े हैं, और शिक्षक भी बड़ों के भी होते हैं और जिंदगी पर्यंत भी होते हैं, स्कूलों के बाहर भी शिक्षक होते हैं, घर में भी शिक्षक होते हैं, पास पड़ोस में भी शिक्षक होते हैं, धर्म संप्रदाय राजनीति संगठन सब जगह शिक्षक होते हैं, जिनसे हम सीख। तो एक तो दायरा एक बड़ा बड़ा सा दायरा है, और इसमें मैं उसी पहली बात से इसको जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए इसमें सामाजिक प्रवाह है पूरे परिदृश्य में, और उस प्रवाह में उस स्थिति में कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, और कुछ प्रवृत्तियों के कुछ बलों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वो सांस्कृतिक तौर पर सामाजिक तौर पर राजनीतिक तौर पर जिस भी क्षेत्र में हम उसको देखें, तो एक तरह का संस्थागतकरण है शक्तियों का प्रवृत्तियों का, और समाज तो व्यापक है जिसमें सभी को जीना है। अभी हम उसी स्थिति में नहीं गए हैं कि भाई पूरे गरीब एक पर तरह के देश में डाल दिए जाएँ, सारे अमीर एक जगह डाल दिए जाएँ, और क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि गरीब इसीलिए होते हैं कि दूसरों को कंधों पर पैर रख के नीचे दबा के अमीर होते हैं, तो अमीर इसलिए होते हैं, तो अमीरों को गरीब चाहिए। दुनिया की गरीबी मूलतः वितरण के असंतुलन से उत्पन्न अमीरी होती है, तो असंतुलन हो उसके लिए भी तो बहुत सारे लोग हों जिनके साथ असंतुलन किया जाना है। जयपुर शहर में बात हुई तो किसी भी शहर में बात कर लो 40% जो कि झोपड़ी में लोग रहते हैं गरीब, इनको बाहर क्यों नहीं निकाल देते, वैसे वो दिन रात ही बातें करते हैं, इनको बाहर निकाल दो, गंदगी है शहर की, फलाना है ठिकाना है, अपराधी हैं, चोर हैं, ये है वो है, बाहर करो इनको, पर बाहर किसी को नहीं करते, बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी उनकी सेवा आपका क्या कहते हैं सेवा जो भी वो वही करते हैं, और बहुत कम पैसे पे जाते हैं। गरीब रहते हुए उन अमीरों की सेवा की सारी शक्ति वहीं से आती है, तो ये तो साथ ही रहना है गरीबों को अमीरों को, अभी तो ऐसे ही समझ में आता है। लेकिन इस पूरी प्रभाव में प्रवृत्तियां ये है, और शिक्षा की प्रवृत्ति और सोच कहीं दूर से अलग से नहीं आएगा, इस स्वरूप में नहीं आएगा कि वो प्रभावी रूप से अपने को स्वायत्त कर ले और स्वतंत्र कर ले सामाजिक सोच और प्रवृत्ति से, वो नहीं होगा, बातें उसकी हमेशा होंगी। तो वो उसमें मूल बात यह है कि बहुत प्रकट रूप से अभी यथा स्थिति की को बनाए रखने की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हैं और बहुत प्रभुत्वशाली हैं, उनका प्रभुत्व बहुत बड़ा है, और वो एक तरह से प्रतिगामी है, वो जो है वहाँ बनाए रखने चाहती हैं, मतलब समय आगे बढ़ रहा है लेकिन वो पीछे रहना चाहती है, पीछे की ओर बताती हैं आपको, पीछे चलिए, नीचे रहिए, नीचे चलिए, तो सारे आदर्श हैं जो सारे सरोकार हैं वो सब वो पीछे से नीचे से लेते हैं, और कोई भी शिक्षा आदर्श और सरोकारों पर ही टिकी होती है। अंततः आप व्यक्ति को समाज को क्या बनाना चाहते हैं, उसका आदर्श क्या अच्छा ही क्या आपको क्या बनाना चाहते हैं, शिक्षा काय के लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, जो प्रश्न है वो यहीं से उत्तरित होते हैं। तो जो पूरे समाज पर जिनका प्रभुत्व और नियंत्रण है बहुत शक्तिशाली नियंत्रण होता जा रहा है, उन सब का एक सीधा सा जो रुझान है वो